Hey my dear students, what's up? I hope you're so fine here and I'm also very cool. And as usual, right now going on Corona's summer vacation. So I hope you are enjoying and I hope you are learning something else because every day हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वही टॉपिक है जो लास्ट टू टाइम से मैं अपलोड करते आ रहा हूँ. एंड दैट वॉज वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग या फिर वेज ऑफ हाउ टू स्पीक और हाउ टू लर्न एनी लैंग्वेज. लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट वीडियो में जो अपलोड किया था दैट वीडियो वॉज अबाउट कि लाइफ में दो स्टेप्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने का. एक होता है एटमोसफियर और एक होता है नॉन एटमोसफियर. तो उसके बारे में मैंने बताया था. सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एटमोसफियर में हैं या नॉन एटमोसफियर में हैं, दोनों एटमोसफियर में अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखने चाह रहे हो, इधर इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच और एनी नेशनल लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में आप क्या क्या चीज़ सीखेंगे उसके बारे में मैंने बताया. तो उसमें 14 मॉड्यूल्स था. और आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इसमें है कि जितने भी मॉड्यूल्स अगर आप सीखने जा रहे हो या फिर एक मॉड्यूल सीखने जा रहे हो उसमें नॉर्मली टाइम कितना लगता है. वैसे यू नो वेरी वेल कि लाइफ में सीखने का कोई एंडिंग नहीं है, आप जितना सीखो उतना ही कम है. बट अगर आप एक एवरेज ड्यूरेशन अगर आप चाहते हो कि मैं इस ड्यूरेशन के अंदर ये पार्ट कंप्लीट कर लूँ विच जिससे इट विल हेल्प यू अ वेरी लॉट, तो उसका क्या ड्यूरेशन हो सकता है वो आज हम देखेंगे कि हर एक मॉड्यूल में कितना टाइम लग सकता है मिनिमम और मैक्सिमम. मैं अगेन कह रहा हूँ कि किसी भी मॉड्यूल, कोई भी टॉपिक अगर आप सीख रहे हो उसका कोई एंडिंग नहीं है, आप जितना सीखो उतना ही कम है. बट फिर भी एक नॉलेज होना चाहिए कि ये पार्ट हम इतने दिनों में कर सकते हैं. इससे क्या होगा, हमारा काफ़ी हेल्पफुल हो गया. तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ लास्ट में एक मैं आपको इसी से एक थॉट्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में एक शाइन क्रिएट करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू अचीव अ गोल इजिली, राइट? सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स कम ऑन द सी बोर्ड एंड सी व्हाट इज टुडेज चैप्टर, राइट? सो एज यू आर सीइंग दैट आई हैव मेंशनड हियर वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और एनी लैंग्वेज स्पीकिंग पार्ट थ्री. ये पार्ट थ्री है और इस तरफ मैंने सीरियल नंबर ऐड किया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस वे मैंने सीरियल नंबर ऐड किया है एंड यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स का नाम ऐड किया है. तो मॉड्यूल्स में तो आपको पता है इंस्टेंट वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी, मींस डिक्शनरी, राइट? एंड डेली यूजेस सेंटेंसेज, स्पोकन ग्रामर, एडवांस ग्रामर, एरर ग्रामर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कन्वर्सेशन सेंटेंस, ग्रुप डिस्कशन, अनटोल्ड इंग्लिश या फिर अनटोल्ड लैंग्वेज, ठीक है? एंड लास्ट इंग्लिश एक्सेंट्स. कोई भी लैंग्वेज का इंग्लिश एक्सेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये तो मॉड्यूल्स आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी मेंशन किया. जो इम्पॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हर चीज़ों की एक नेचर होता है. जैसे आपने क्लास में देखे होंगे कि क्लास में जो बच्चे होते हैं, क्लास में बच्चे अगर जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से उसका सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है? कई बार उनको इवन आप टेंथ क्लास के बाद भी आप देखना एक सब्जेक्ट डिवाइडेड हो जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तो उसके नेचर के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है. उसी प्रकार मैंने हर मॉड्यूल्स का अलग अलग एक नेचर डिवाइड किया है. वो डिवाइड यहाँ पे है, जैसे इंस्टेंट वोकैबुलरी है तो मैंने उसको क्लासिफाइड में डिवाइड किया है, एडवांस वोकैबुलरी है तो उसको मैंने पेजेस में डिवाइड किया है, डेली यूजर सेंटेंस को मैंने टॉपिक्स में डिवाइडेड किया है, स्पोकन ग्रामर को ट्रिक्स में मैंने डिवाइड किया है, एडवांस ग्रामर को चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है, एडर ग्रामर्स को भी चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है, अलॉन्ग विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मैंने टेक्निक में डिवाइड किया है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स को भी टेक्निक में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को टेक्निक में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को टेक्निक्स में, कन्वर्सेशन सेंटेंस को टॉपिक्स में डिवाइड किया है, और ग्रुप डिस्कशंस को टॉपिक्स में, अनटोल्ड इंग्लिश को वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज को वेज में. तो ये मैंने डिवाइडेशंस किया है. अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं. तो मान लो इंस्टेंट वोकैबुलरी जो है ये क्लासिफाइड है और इसको मैंने 120 टॉपिक्स में मैंने इसको मान लिया. मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो कोर्स का पूरा डिज़ाइन पैटर्न है ये मेरा पर्सनल डिज़ाइन पैटर्न है. आप इसके साथ कभी भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या ऐप्स या
किसी YouTube वीडियोस को कंपैरिजन ना करें, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हर एक का अपना एक पर्सनल मेथड होता है। ये मेरा पर्सनल मेथड है, मैं अपनी मेथड आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मेथड आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल 101%, राइट। तो मान लो यहाँ पे जो इंस्टेंट वोकैबुलरी है, जिसको मैंने क्लासिफाइड में डिवाइड किया है, और ये 120 है। 120 मतलब मान लो कि आपके पास 120 प्रकार के क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड में जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, ऐसे करके 120 प्रकार के अलग अलग क्लासिफाइड है, ठीक है। अब उस 120 को क्लासिफाइड को आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो मैंने मान लिया, सपोज मान लो अगर आप पर डे एक क्लासिफाइड करते हो, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 क्लासिफाइड, ठीक है। और अगर इसको आप 4 महीने तक कंटिन्यू करते हो, तो 120 क्लासिफाइड हो जाएंगे। यानी आप इसको 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप पर डे एक क्लासिफाइड करते हो। अगर आप पर डे दो क्लासिफाइड करते हो, और 30 दिन में कितना हो जाएगा? 60 क्लासिफाइड्स। अगर आप ऐसे इसको 2 महीने तक कंटिन्यू करोगे, तो 120 क्लासिफाइड हो रहे। यानी अगर आपके पास 120 कलेक्शन है क्लासिफाइड के, इंस्टेंट वोकैबुलरी के, तो उसको आप दो प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो, या तो 2 महीने में या फिर 4 महीने में। आई होप आपको मेरा पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि मैंने सबसे पहले क्या किया, एक मॉड्यूल्स का यहाँ पे नाम लिखा, फिर उसको मैंने क्लासिफाइड में डिवाइड किया है, और फिर उसको मैंने एक मान लिया कि 120 क्लासिफाइड आपके पास है, सपोज 120 कलेक्शन है, तो उसको कैसे कंप्लीट करोगे? या तो पर डे एक करो, तो 30 दिन तक 30 क्लासिफाइड होंगे, और फिर 4 महीने तक अगर कंटिन्यू करते हो, तो 120 में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 4 महीने में या तो उसको कंप्लीट करो, या फिर पर डे आप 2 करो, तो 30 दिन में 60 होगा। तो 2 महीने तक अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो 2 महीने में आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इंस्टेंट वोकैबुलरी या तो आप 2 महीने का ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 4 महीने में। और अगर आपको ज़्यादा सीखना है, तो फिर आप 4 महीने को 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने सीख ले जाओ। लेकिन एक एवरेज आप इसको 2 महीने या 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांस वोकैबुलरी, जो पेजेस में मैंने डिवाइड किया है। मान लो 1400 पेजेस का डिक्शनरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक डिक्शनरी मेरे पास है, जैसे ये डिक्शनरी है, ठीक है, इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको इसका नॉलेज दे सकता हूँ। तो ये 1400 पेजेस का पूरा डिक्शनरी है, राइट। और आप डिक्शनरी में देखना, इसका जो डिवाइडेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है, जैसे कि एक पार्ट दो पार्ट, और पीछे की तरफ भी एक पार्ट दो पार्ट, ठीक है। तो ये है टोटल 400-700 पेज का, लेकिन अगर आप आगे पीछे करके करोगे, तो ये है 1400 पेजेस का। तो मान लो आपको ये डिक्शनरी पूरा कंप्लीट करना है, तो आप कितने दिनों में ये कंप्लीट कर सकते हो? तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। देखो, इसको आप या तो 24 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 48 महीने, यानी या तो 24 मंथ्स, या फिर 48 मंथ्स। 24 महीने यानी 2 साल में या तो कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 4 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसे? अगर आप पर डे वन पेज करते हो, जैसे पर डे वन पेज मतलब, जैसे मान लो ये पर डे वन पेज, ये अगर आप ऐसे करके एक पेज, दो पेज, ऐसे करके आप पर डे अगर वन पेज कंप्लीट करते हो, तो 365 दिन में कितना हो जाएगा? 365 पेज। इसको अगर 2 साल तक करोगे, तो लगभग 720 पेज। 720 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप आगे पीछे करके, 720 पेज मतलब मैंने जैसे कहा कि एक पेज आगे पीछे करके होता है 1400 पेज, तो 720 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा? 1400 पेज। तो या तो आप 2 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर हाफ पेज। हाफ पेज मतलब आप सिर्फ वन साइड कर रहे हो, ये पूरा वन पेज हो रहा है, अगर आप सिर्फ एक साइड इस तरफ कर रहे हो, सिर्फ ये वाला पार्ट, नेक्स्ट दिन फिर एक दिन ये वाला पार्ट, फिर दूसरे दिन ये वाला पार्ट, तो ऐसे अगर हाफ पेज कर रहे हो, तो 365 दिन में लगभग होता है 185 पेजेस। उसको मल्टीप्लाई 4 साल से करोगे, तो 740 मल्टीप्लाई 2, तो हो रहा है लगभग तुम्हारा 1400 पेज, या उससे थोड़ा समथिंग ज़्यादा हो रहा है। यानी एक डिक्शनरी को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, एडवांस वोकैबुलरी, जिसको मैंने नाम दिया मॉड्यूल में, इसको आप या तो 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 48 मंथ्स में, यानी 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो। मैंने इसको 1 साल में कंप्लीट किया था, क्योंकि मैंने एक दिन में 2 पेज करता था। तो एक दिन में अगर आप 2 पेज करोगे, तो 365 दिन में कितना हो जाता है? 700। तो 700 मल्टीप्लाई 2 कितना हो रहा है? 1400 पेजेस। पर ये आपके ऊपर है, आप 2 पेज मत करना, क्योंकि 2 पेज में काफ़ी हेक्टिक हो जाते हैं। आप एक पेज या फिर हाफ पेज कर सकते हो, जिससे आपके एक डिक्शनरी कंप्लीट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है।
तो दो मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिया, इंस्टेंट वोकेबलरी या तो 2 महीने या फिर 4 महीने, और डिक्शनरी को या तो आप 2 साल या फिर 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डेली यूजेस सेंटेंस, जिसको मैंने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। मान लो 300 टॉपिक आपके पास है डेली यूजेस सेंटेंस, 300 टॉपिक मीन्स जैसे ग्रीटिंग्स, उसके बाद एंग्री मोमेंट, उसके बाद स्कूल इंटरव्यू, उसके बाद मार्केट में कुछ खरीदने गए, ऐसे करके मान लो 300 प्रकार के टॉपिक आपके पास है, जिसमें हम रोज़ अलग अलग टॉपिक बातें करते हैं। डाइनिंग टेबल में बैठे हैं उससे रिलेटेड कोई टॉकिंग, टिकट बुकिंग करने गए उससे रिलेटेड कोई टॉकिंग, तो 300 टॉपिक आपके पास है, तो इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे? या तो इसको आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो या फिर 4 महीने में। कैसे? मान लो अगर आप पर डे 10 टॉपिक करते हो पर डे, क्योंकि डेली यूज सेंटेंस आप रटोगे नहीं, इसको तो जस्ट आपको समझना है और आप उसको रिलेटेड आपको यूज़ करना है, तो पर डे अगर आप 10 टॉपिक करोगे तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 300 टॉपिक, उस हिसाब से 1 मंथ। पर डे अगर आप 2 टॉपिक करते हो तो 30 दिन में कितना होगा? 60 टॉपिक। 4 महीने में कितना हो जाएगा? 240, मतलब 4 महीने या फिर थोड़ा सा 4.5 या 5 महीने तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो डेली यूज सेंटेंसेस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पर डे 1 करोगे तो 4 महीने 5 महीने में हो जाएगा, और अगर आप पर डे 10 टॉपिक करते हो 5 टॉपिक करते हो तो आप आराम से उसको इजीली 2-3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो इट्स चॉइस योर्स। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पोकन ग्रामर, जो हम अक्सर आप देखते होंगे स्पोकन इंग्लिश जो हर इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, तो स्पोकन ग्रामर को आप कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हो? स्पोकन इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? तो उसका ड्यूरेशन है या तो 4 मंथ या फिर 6 मंथ। कैसे? देखो इसमें क्या होता है, ट्रिक्स सिखाया जाता है कि सेंटेंस स्पीकिंग करने का ट्रिक्स, सेंटेंस का ट्रिक्स, तो इसमें लगभग 60 ट्रिक्स होते हैं, 60 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो 60 प्रकार के सेंटेंस अगर आप बोलना सीख गए, ट्रिक्स आपको पता चल गया, तो आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे वेरी इजी वे में। तो पर डे का अगर आप 1 करते हो तो 60 डेज यानी 2 महीने में आराम से आपका हो जाएंगे ट्रांसलेशन मेथड। इसके अलावा मैंने देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड किया, 60 प्लस 30 मतलब क्या होता है, एक बेसिक ग्रामर आपको सिखा दिया जाता है, और 60 प्रकार के जो ट्रांसलेशन मेथड है ये आपको सिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 3 महीने, तो 60 डेज का पर डे का 1 ट्रिक्स, तो 60 डेज का कितना हो जाएगा? 60, और 30 दिन का वो ग्रामर, बेसिक ग्रामर, पर डे का 1 ग्रामर, तो कितना हो गया? 90, और जो 1 महीने बचा है वो 1 महीने आपका नॉर्मल प्रैक्टिस स्पीकिंग, क्योंकि स्पोकन आप सीख रहे हो तो स्पीकिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है। देखो पर डे का 1 ट्रिक्स तो 60 डेज हुआ, प्लस पर डे का 1 ग्रामर तो 30 डेज में कितना हो गया? 90 डेज, प्लस 30 दिन का आपका प्रैक्टिस, तो टोटल कितना हो गया? 4 महीने, क्योंकि 60 डेज प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज तो 4 मंथ। तो 4 मंथ्स में आप स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो वो आप सीख सकते हो, या फिर 60 डेज का वही रहेगा, पर डे का 1 प्लस 1 ग्रामर पर डे का, तो 30 डेज का हो गया। अब यहाँ पे 6 महीने कैसे, 90 डेज का आप इसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि स्पोकन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बोलते समय आपके पास टाइम बहुत शॉर्टेज रहेंगे। तो या तो आप 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो या फिर 6 मंथ में, इसलिए आप देखना मोस्ट ऑफ द स्पोकन ट्रेनिंग सेंटर या तो 3 महीने या 4 महीने का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है एडवांस ग्रामर, जिसको मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो इसको मैंने ग्रामर्स में क्या होते हैं, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा हो तो 20 या 25 चैप्टर्स होते हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद क्लॉज, नरेशन, तो ऐसे 30 चैप्टर है, तो इसको आप आराम से 2 महीने या 4 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कंप्लीट करेंगे? मान लो पर चैप्टर आप 2 डेज ले रहे हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आप 2 दिन ले रहे हैं, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? 60 डेज, तो उस हिसाब से मैंने 2 महीने लिखा। और मान लो पर चैप्टर आप 4 दिन कंप्लीट कर रहे हो, एक चैप्टर को अपने 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 120 डेज, तो उस हिसाब से 4 मंथ्स, ये आपके पास हिसाब नॉर्मल है। तो ग्रामर्स को आप बहुत ईजिली कर सकते हो, या तो एक चैप्टर को आप 2 दिन में कंप्लीट करें तो 60 डेज में आपका आराम से वो ग्रामर एडवांस हो जाएंगे, या फिर एक चैप्टर को आप 4 डेज में कंप्लीट करें, जैसे आप नाउन सीख रहे हैं तो उसको जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं तो उसको आप 4 डेज में कंप्लीट करें, आर्टिकल सीख रहे उसको 4 डेज में कंप्लीट करें, टेंस सीख रहे तो उसको 4 डेज में कंप्लीट करें, तो आराम से आपका 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे।
नेक्स्ट आता है एरर ग्रामर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एरर ग्रामर का ऐसा ग्रामर होता है जो ग्रामर्स के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो एरर ग्रामर्स क्या होता है, जिसके इसके अंदर पाँच चार या पाँच टॉपिक चैप्टर्स होते हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर वन है, एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है आर्टिकल, ये सारी चीज़ क्या करता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मान लो पाँच चैप्टर है, इसको कितने, या तो वन मंथ या टू मंथ्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, पर डे या तो आप एक चैप्टर को 5 दिन लीजिए, तो 5 डेज में कितना हो जाएंगे, 5 चैप्टर 25 दिन में या तो कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर एक चैप्टर को आप 10 दिन लो तो 5 चैप्टर को कितने दिन में हो जाएगा, 50 डेज। यानी 1 मंथ या 2 मंथ में इजीली आप एरर ग्रामर्स कंप्लीट कर सकते हैं इस डिवीजन के बेस पर। ठीक है, बाकी आपको तो पता ही है, आप जितना टाइम देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट मैंने एक अप्रोक्सीमेटली एक मिनिमम या मैक्सिमम ड्यूरेशन बता दिया, जिससे क्या होगा, आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो सकता है एक मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में, राइट। चाहे आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, चाहे आप ऐप से सीख रहे हो, चाहे आप किसी मेरे यूट्यूब चैनल से सीख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट आता है, आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसको मैंने टेक्निक में डिवाइड किया। मैं पहले बता दूँ, इन सब की कोई लिमिट नहीं है, फिर भी मैं इन सब की एक अप्रोक्सीमेटली बता दूँ कि आप अगर यूट्यूब चैनल से सीख रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, तो आप ये मेथड यूज़ करना, कहीं ना कहीं सम एरियाज इट विल हेल्प यू वेरी मच, राइट। मान लो आप 120 प्रकार के टेक्निक आपके पास है, जैसे कि बोलने का टेक्निक, बैठने का टेक्निक, सुनने का टेक्निक, ऐसे आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में नए नए टेक्निक सीख रहे हो, या फिर आप इनर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रहे हो कि शांत कैसे रहे, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करे, तो ऐसे करके आप रोज़ एक एक टेक्निक सीख रहे हो। तो मान लो आपके पास 120 कलेक्शन है टेक्निक का, 120 टेक्निक कलेक्शन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो अगर आप पर डे एक 4 टेक्निक करते हो, क्योंकि इसमें तो आपको याद करना नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करते हैं, शांत कैसे रहें, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करें, है ना, हंसना कितना चाहिए, रोना कितना चाहिए, ऐसा आप अलग अलग टेक्निक सीख रहे हो, कैसे बैठे इंटरव्यू के सामने, कैसे किसी के सामने खड़े हुए, अपने मन की बात कैसे किसी को बोले, तो ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप सीख रहे हो। तो अगर आप पर डे का एक टेक्निक भी सीख रहे हो, 4 टेक्निक अगर आप पर डे का कर रहे हो, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 120 टेक्निक, यानी उस हिसाब से 1 महीने में आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हो। या फिर अगर आप पर डे 1 टेक्निक अगर आप कर रहे हो, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 महीने का कितना हो जाएगा, 120 टेक्निक, तो उस हिसाब से 4 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर 120 कलेक्शन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो उसको या तो एक दिन 1 महीने में या फिर 4 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली। इसी प्रकार से आप बिजनेस कम्युनिकेशंस का भी मान लो 120 कलेक्शन है, तो वही मेथड है, पर डे का या तो 1 या फिर पर डे का या तो 4, तो या तो 1 मंथ या फिर 4 मंथ। उसी प्रकार अगर मान लो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है 120 कलेक्शन, तो पर डे का या तो 1 या फिर पर डे का या तो 4। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको पता ही है कि इसमें मान लो रिस्क सीख रहे हो, कि बिजनेस स्टार्ट करते समय सामना कैसे करे, कैसे प्रॉफिट का वो लिस्ट निकाले, कैसे लॉस के सामने हम ना झुके, हम और आगे बढ़े, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस कम्युनिकेशंस में भी मान लो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास 120 टेक्निक है, ओके। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में भी 120 टेक्निक है कि कैसे आप अपने अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उस काम को हम कैसे करवाएं, कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, भाई सामने वाला हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसे 120 टेक्निक आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी है। तो वही सेम प्रोसेस है पर डे का या तो 1 या पर डे का या तो 4। तो 1 मंथ में 4 डे करोगे, तो 1 दिन में अगर आप 4 करते हो तो 1 मंथ में आपका ईजिली हो जाएंगे, या फिर पर डे का अगर आप 1 करते हो तो 4 मंथ्स में आपका 120 टेक्निक हो जाएंगे। 120 टेक्निक से ज़्यादा होंगे तो और टाइम लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कन्वर्सेशन सेंटेंस। तो कन्वर्सेशन सेंटेंस को मैंने टॉपिक्स के बेस पे लिया, जैसे मैंने यहाँ पर डेली यूज सेंटेंस को टॉपिक्स में लिया था, तो इसमें भी 300 कलेक्शन था। कन्वर्सेशन सेंटेंस में भी मान लो आपके पास 300 कलेक्शन है, तो इसका भी मेथड आपका वही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कि पर डे का अगर आप 10 टॉपिक करते हो तो 30 दिन में 300, पर डे का अगर आप 2 टॉपिक करते हो तो 30 दिन में 60 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 240, यानी 4 to 5 मंथ्स में आपका कन्वर्सेशन सेंटेंस हो जाएंगे। कन्वर्सेशन आपको पता ही है कि मान लो
टीचर स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हो रही है, दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत हो रही है, कोई लड़का कोई सी लड़की को मैरिज के लिए घर पर गए देखने के लिए तो उस पर्पज़ से बातचीत हो रही है, या फिर आपके बिजनेस में नुकसान हो गया या कॉलोनी में लड़ाई हो गई, या फिर किसी भी टॉपिक पर आप कन्वर्सेशंस देख रहे हो तो वहाँ पर कुछ सीख रहे हो कैसे एक दूसरे के साथ टॉकिंग करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट कि कन्वर्सेशन में शॉर्ट में हम बहुत कुछ सीखते हैं, राइट? तो इसका भी वो सेम प्रोसेस है डेली यूजिंग सेंटेंस जैसा, या तो 1 month या फिर 4 months, राइट? इसके बाद एक टेक्निक यहाँ पे है, मैंने ग्रुप डिस्कशंस को भी मैंने टेक्निक में इस्तेमाल किया है कि मान लो 120 टेक्निक है, इसका भी वही सेम है, या तो पर डे का 1 या फिर पर डे का 4, या तो 1 month में कंप्लीट करना है तो पर डे का 4 टेक्निक करो, और अगर आपको 4 months में कंप्लीट करना है तो पर डे आप 4 टेक्निक करो, ठीक है? पर आपके पास सबसे पहले 120 कलेक्शन होना चाहिए, राइट? अगर कम कलेक्शन है तो कम में हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट आता है अनटोल्ड लैंग्वेज या अनटोल्ड इंग्लिश, इसको मैंने वेज में डिवाइड किया है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है डियर, क्योंकि अनटोल्ड इंग्लिश क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताए जाते हैं कि गुड मॉर्निंग की जगह आप क्या बोलोगे, आप गुड नाइट की जगह क्या बोल सकते हैं, मे आई कम इन और कैन आई कम इन में डिफरेंस क्या है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पर डे एक एक करके करते जाओ तो जितना आप करोगे ड्यूरेशन उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे, राइट? और एक्सेंट में भी सेम, देखो वेज में मैंने इसको डिवाइड किया है, इंग्लिश एक्सेंट नो लिमिट, पर डे जस्ट एक एक करके सीखते जाओ और आगे इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको मैंने जितने भी मॉड्यूल्स बताया है उस मॉड्यूल्स को आप किस प्रकार से कंप्लीट करोगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना सीखो उतना कम है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा पर्सनल डिज़ाइन है, अगेन आई एम टेलिंग यू डू नॉट कंपेयर दिस डिज़ाइन विद समबडीज एल्स कोर्स, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक मेथड होता है, मैं इसको फॉलो करता हूँ और मैं इसी को इसी प्रकार से मैं बच्चों को भी करवाता हूँ, सो ये मुझे हेल्पफुल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इट विल हेल्पफुल अ लॉट। And I hope you have understood what I would like to say to you to complete a course if you are doing something this course from somewhere else. And आज का जो कोर्स का जो थॉट है वो ये है कि लाइफ में अगर आपको कोई टारगेट आपने बनाया, उसको अगर आपको अगर अचीवमेंट पाना है, उसमें कुछ सक्सेसफुल होना है, तो आप टाइम जरूर सेट करें कि मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आपने जो टाइम सेट किया है उस टाइम में आप उसको पूरा ना कर पाए, लेकिन आपको एक इतना नॉलेज होना चाहिए, इससे क्या होगा, आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। सो टाइम सेटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स। एंड अगली बार फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपका स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे, एंड अपना नॉलेज शेयर करो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। एंड तब तक के लिए, सी यू माय डियर।